आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि यहां पर सनबीम ग्रुप के चेयरमैन और नेशनल कोच सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन और इंटरनेशनल नेशनल शूटर रह चुके हैं जनाब जगदीप मधोक जी, मैं चाहता हूं आप मुशायरे में मेहमान खुसूसी की भूमिका में हैं, मैं चाहता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लेके आएं। इसके साथ ही डॉक्टर रमेश दत्त पांडे जी से गुजारिश है कि आप भी मंच पर तशरीफ़ लावें। जनाब हर्ष मधोक जी से गुजारिश करता हूं मंच पर आने के लिए। इसके साथ ही हमारे बीच में कौमी एकजहती के एक मिसाल जो बीएचयू में कार्यरत हैं जनाब मुर्तजा आलम साहब, आपसे भी गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं। अधिवक्ताओं की तरफ से जनाब विवेक सिंह साहब और जनाब उदय भान सिंह साहब से गुजारिश करता हूं मंच पर आवें। जनाब डॉक्टर बीके शुक्ल साहब से गुजारिश है कि मंच पर आवें। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और समाज सेवा में निरत हैं लगातार। हमने ये आज का जो मुशायरे का मंच सजाया है, हम चाहते हैं कि प्रोफेसर रेवती साकलकर जी मंच पर तशरीफ़ लाएं और डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी जी से भी गुजारिश है कि वह स्टेज पर आवें। जनाब प्रेम सिंह अलग जी से भी गुजारिश करता हूं कि आप मंच पर आवें, तशरीफ़ लाएं। हमारे सोरा इकराम यहां इस बज़्म में तशरीफ़ फरमा है। अब इस मुशायरे का आगाज़ होगा, लेकिन उसके पहले जो कुछ रिवायतें होती हैं, जो एक सम्मान का कार्यक्रम होता है, वो हो जाने के बाद हम नाते पाक और सरस्वती वंदना से इस मुशायरे का आगाज़ करेंगे। हमारे बीच जितने शायर हैं, मैं बारी बारी से फहरिस्त पढ़ता हूं और उनको इस मंच पे आवाज़ देता हूं। हमारे बीच में जनाब श्यामलाल यादव साहब फक्कड़ गाजीपुरी साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मंच पर आवें। जनाब सोहेल उस्मानी साहब, जनाब निज़ाम बनारसी साहब, जनाब समर गाजीपुरी साहब, जनाब नवाब अहमद नवाब साहब और इस मुशायरे के नाज़िम जनाब नदीम फर्रुख साहब से मेरी गुजारिश है कि आप मंच पर तशरीफ़ लाएं। आइए भैया। जी आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं, दिली इस्तकबाल है आप सभी का इस मुशायरे में हाज़िरी के लिए। मैं चाहता हूं कि एक नई कलम, एक बहुत ही कम उम्र शायरा जो कि बनारस से निकल रही हैं, मोहतरमा चांद काशवी साहिबा से गुजारिश है कि आप मंच पर तशरीफ़ लाएं। जनाब दिनेश सिंह गुक्कर साहब से गुजारिश है कि आप भी मंच पर तशरीफ़ लाएं। जनाब डंडा बनारसी साहब, एक बार ज़ोरदार तालियों से आप सभी शोरा इकराम का इस्तकबाल करें। अब धीरे धीरे मुशायरा आगाज़ की तरफ बढ़ रहा है, हम एक जो सम्मान का कार्यक्रम है वो बस शुरू कर रहे हैं। सम्मानित करने के बाद सीधे सीधे नाते पाक और सरस्वती वंदना से जोड़ेंगे आपको। मैं चाहता हूं कि जनाब नंद कुमार जी आवें और सभी अतिथियों का
सभी मेहमानों का बैज लगा करके स्वागत करें। जनाब ताज मोहम्मद साहब और जनाब संतोष मौर्य जी, सभी मेहमान शायरों का और हमारे मेहमान खुसूसी जनाब जगदीप मधोक साहब का बैज लगा करके इस्तकबाल करें। आप इधर से आ जाइए, आप इधर से आ जाइए, इधर इधर पहले। हमारे मंच पर इस समय एंट्री हो रही है अलीगढ़ से तशरीफ लाए जनाब नदीम फर्रुख साहब का, एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब नदीम फर्रुख साहब, जो हमारे आज के इस अजीमो शान मुशायरे के बहुत अच्छी निजामत करेंगे। इस दावे के साथ हम इनका इस्तकबाल करते हैं। बैज लगा करके सभी मेहमानों का इस्तकबाल करें, खैर मकदम करें। कुछ ही देर में हमारे कुछ और मेहमान आएंगे बीच में जो जुड़ जाएंगे। उधर किनारे रख दीजिए भैया। हेलो हेलो, आज जिनकी याद में, जिनकी शान में ये मुशायरा मुनक्किद है, सनबीम ग्रुप के फाउंडर, फारसी के बहुत ही अच्छे विद्वान, शाने उर्दू जिन्हें कहा गया, मशहूर शायर डॉक्टर अमृतलाल इसरत साहब, जिनकी याद में आज का ये मुशायरा हो रहा है, उनके ही कुल के, वंश के या खानदान के कह लीजिए, उनके पौत्र हैं जनाब हर्ष मधोक साहब। वो हमारे सभी मेहमानों को एक पुस्तक भेंट करेंगे जिसे काशी के शायर, एक पुस्तक है और एक है दीवाने इशरत। आप सभी को पुस्तक भेंट करके आप सभी का सम्मान करें जनाब हर्ष मधोक साहब।
मैं गुजारिश करता हूं जनाब नंद कुमार जी से कि हमारे सभी मेहमानों को एक एक करके मैं नाम लेता हूं और आप मोमेंटो भेंट करके प्रदान करके और फिर साफा पहना करके सम्मानित करेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे मेहमान खुसूसी जो हैं जनाब मधोक साहब, इन्हें आप साफा पहना करके और मोमेंटो प्रदान करके सम्मान करें। गुरुजी से निवेदन है कि गुरुवर पंडित सुदामा तिवारी साढ़ बनारसी जी जो बनारस के धरोहर हैं, उनसे निवेदन है कि आप इन्हें साफा पहना करके और मोमेंटो दे करके सम्मानित करें। और अब मैं चाहता हूं इसी के साथ गुरुजी का भी साफा पहना करके सम्मानित करें, मोमेंटो प्रदान कर। जनाब हर्ष मधोक साहब का भी मोमेंटो दे करके सम्मानित किया जाए, साफा पहनाते हुए नंद कुमार जी। इसी क्रम में अब हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर बीके शुक्ल जी, उन्हें मोमेंटो प्रदान करके सम्मानित किया जाए। जनाब उदय भान सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं, अधिवक्ताओं की तरफ से मैं चाहता हूं कि इन्हें भी मोमेंटो प्रदान करके स्वागत किया जाए। और इस मुशायरे में जिनका अहम रोल भी रहा है जनाब विवेक सिंह जी, जनाब विवेक सिंह साहब को भी मोमेंटो प्रदान करके इनका इस्तकबाल हो, खैर मकदम किया जाए। जनाब प्रेम सिंह अलग जी को भी, आइए साहब आप न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, आइए। और अब डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी जी से आग्रह है कि आप भी गुरु जी का आशीर्वाद लें, सम्मान के रूप में मोमेंटो। प्रोफेसर रेवती साकलकर को भी मोमेंटो प्रदान करके सम्मानित किया जाए। मैं निवेदन करूंगा जनाब सलीम सिवालवी साहब से कि आप भी मंच पर तशरीफ लाएं। जनाब मोहम्मद खालिद साहब हमारे बीच हैं, मैं चाहता हूं कि आप मंच पर तशरीफ लाएं, एक अहम भूमिका रही है इस मुशायरे में आपकी। प्रोफेसर रेवती साकलकर जी, और अब जिन्हें नाते पाक पेश करना है मैं चाहता हूं कि जनाब मिराजुल इस्लाम साहब को भी मोमेंटो प्रदान करके सम्मानित किया जाए, आइए जनाब। ये है हमारे इस ऑल इंडिया मुशायरे के नाजिम जनाब नदीम फर्रुख साहब से निवेदन है कि आप खड़े हो जाएं और गुरु जी से आग्रह है कि आप इन्हें मोमेंटो प्रदान करके सम्मानित भी करें और आशीर्वाद भी दें। जनाब श्याम लाल यादव साहब, इस मुशायरे को मुनक्किद करने में जिनकी अहम भूमिका रही है, मैं साफ साफ कह सकता हूं कि अगर ये न होते तो ये मुशायरा न हो पाता। ऐसे जनाब फक्कड़ गाजीपुरी साहब का सम्मान हम कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, इस्तकबाल करें, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जनाब मोहम्मद खालिद साहब से आग्रह है कि आप आवें, आपका भी सम्मान यहाँ होना है।
गुरु जी के हाथों आपको भी आशीर्वाद मिलना है। जनाब सोहेल उस्मानी साहब, इसी कड़ी में हम गुजारिश करेंगे कि जनाब सोहेल उस्मानी साहब का सम्मान किया जाए मोमेंटो प्रदान करके। आप दुबई, ओमान, कुवैत तक बनारस का परचम बुलंद करके आए हैं, हम आपका दिले इस्तकबाल करते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और अब नवाब अहमद नवाब साहब, जनाब नवाब अहमद नवाब साहब से गुजारिश है कि आप आवें। दोस्तों, हमारे मंच पर एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है, तशरीफ फरमा है, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत भी हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होने वाले दुर्गा पूजा का सारा दारोमदार उन पर रहता है, जनाब मुर्तजा आलम साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप आवें और आपको गुरुजी के द्वारा सम्मान दिया जाए। जनाब ताज मोहम्मद साहब भी इसमें सहयोग करें। और अब जनाब सलीम शिवालवी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप आए यहां माइक तक। बस कुछ देर और, इस कड़ी में हम चाहते हैं कि जनाब समर गाजीपुरी साहब का सम्मान किया जाए मोमेंटो भेंट करके। जनाब समर गाजीपुरी साहब, जनाब निजाम बनारसी साहब, आप भी दुबई तक बनारस का परचम बुलंद करके आए हैं, आपका भी हम इस्तकबाल करते हैं। जनाब डंडा बनारसी साहब से गुजारिश है कि आप यहां मंच तक आए, और देखिए नाम से ही तालियां बज रही हैं। जनाब डंडा बनारसी साहब तंजो मजाक के शायर हैं और ये सीधे हानुलुलु से आ रहे हैं, तो इनका जबरदस्त इस्तकबाल होना चाहिए। इसके बाद मैं आवाज देता हूं जनाब दिनेश सिंह गुक्कत साहब का कि आप भी मंच पर आवें और गुरु जी के हाथों आशीर्वाद लें। जनाब नागेश सांडिले जी, चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है, अगर उपस्थित हो तो आवे जी, हो सकता है गुजर गए क्या मतलब यहां से आगे गुजर गए होंगे, हाँ कहीं चले गए होंगे, हो गया हाँ। और अब एक नई कलम मोहतरमा चांद काशवी साहिबा को मैं आवाज देता हूं कि आपका भी इस्तकबाल हो। मोहतरमा चांद कासवी साहिबा, दोस्तों हमारे बीच कुछ ही देर में हैदराबाद से चलकर आई महक कैरानवी और अमरोहा से चलकर आई निकात अमरोही भी साहिबा आने वाली हैं। वो होटल से निकल चुकी हैं, बस यहाँ के जाम की समस्या के बारे में आप सभी जानते हैं। मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तब तक आप तशरीफ रखें, जब वो आ जाएंगी तब देखा जाएगा। और